मेरा नाम है और मैं अलमीन कॉलेज का एक इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर रह चुका हूँ, 18 साल की खिदमत करे हूँ। मैं मुझे बचपन से जो है टीचर बच्चों के दरमियान रहने का, स्टूडेंट्स के दरमियान रहने का मौका मिला, तो स्टूडेंट्स में खासकर ये कुछ नफ्सियाती ज़हनी कमज़ोरियाँ का भाई मुशाहदा करे, डिटेल चेक करे तो क्या मालूम हुआ, खासकर स्टूडेंट्स में पढ़ाई में दिलचस्पी की कमी होती है और याददाश्त की कमज़ोरी का एहसास होता है उनको, और कॉन्सेंट्रेशन पढ़ने की तरफ कॉन्सेंट्रेशन उनका जहन नहीं रहता और पढ़ने बैठे रहते दिमाग इधर उधर खेलते रहता है, पूरा तवज्जो टीचर की तरफ नहीं रहती। ऐसे ये जहनी नफ्सियाती ऐसे मसले आते हैं स्टूडेंट्स में, तो ये मैं छोटे बचपन से भी बच्चों को देखता रहा स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों भी टीचर थे, मैं स्कूल्स में ज़्यादा मेरी ज़िंदगी गुजरी दरमियान स्टूडेंट्स के, तो स्टूडेंट्स के मसले देखते देखते इसका हल कोई ना कोई होगा, कोई ना इलाज होगा। बच्चों के जो मसले हैं माइंड यानी मेमोरी का, याददाश्त का मसला है बच्चों का, और इसके साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं रहता, क्लास में रहती कहाँ की ख्याल रहता इधर उधर, तो इससे उनके पढ़ाई पर असर होता है, उनमें पढ़ते सुनते से गौर से नहीं सुनते, और स्टेज फियर रहता बच्चों को, स्टेज पर कुछ बोलने के ख्वाहिश से जाती मगर स्टेज पर जाते आंग तमाम डरने लग जाता, उन्हों डर जाती और बराबर खड़के बात नहीं कर सकते। तो ये सभी मसले जहन के मसले, और भी एग्ज़ाम के सामने एंग्जायटी घबराहट जान घबरा होते रहता उनको, तो ये सभी घबराहट के सबब गलती इम्तिहान में भी कई गलतियां हो जाती हैं, उनसे ठीक तौर से अनसनस से इम्तिहान नहीं दे सकते बच्चे। तो मैं सोचने लगे कि इनका कैसे, इनका इलाज कैसे करूँ, मेरे को इन तमाम का इलाज है आज। आज बच्चे जब शरीर हैं उनको भी इलाज कर सकती हैं, जहन को चेंज कर सकती हैं, माइंड को तब्दील कर सकती हैं, अच्छा दोबारा पॉजिटिव दिमाग को पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकती हैं। सब भी आज हिप्नोथेरेपी एक ऐसा इल्म है जिस पर जो कि हालांकि हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो इल्म, यहाँ के औलिया कराम ऋषि महर्षि वो इल्म पर पहले उस इल्म से कौम की खिदमत करते थे, लोगों के जहनों को चेंज करते थे। तो आज इंग्लैंड अमेरिका में सभी आज क्या हो रहा है, इस इल्म की तहकीक कर रही हैं और लोगों को इस इल्म से फ़ायदा पहुंचा रही हैं, बच्चों को तरबियत कर रही हैं, और इस इल्म से अच्छी तरह मालूम होता है कि बच्चों को कैसा तरबियत करना, बच्चों का कैसे दिल मोड़ना तालीम में, उनकी अखलाक कैसे सुधारना, ये सब भी मुमकिन है आज। हर इसके जो माहिर हैं उनके पास ले गए तो तुम्हारे बच्चों को जो है वो बच्चों को बिठा कर उनके माइंड को कॉन्शियसनेस से सबकॉन्शियसनेस में ले जाते हैं, यानी शऊर से माइंड को तहतुल शऊर को ले जाती हैं, तो उस वक्त बच्चों को बिठा कर कॉन्सेंट्रेशन से हमारे बच्चों को जो है तरबियत करे, तो ऐसा रहना वैसा रहना करके जैसा बोलती हैं बच्चे उसके बाद से उनके चाल चलन में, उनके आदत इतवार में, उनके काम काज में तब्दीली आ जाए। तो हिप्नोथेरेपी एक ऐसा इल्म है जिससे जिसके ज़रिए जो है इंसान को बच्चों की जो है ब्रेन माइंड को जो है रीप्रोग्रामिंग कर सकती, हमारे जो कुछ ज़िंदगी में चाल चलन है हमारे माइंड के सबकॉन्शियस माइंड के तरफ से है, सो हमें अगर चाहिए सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव यानी सही तरीके से उसमें दर्ज कर दिया, तो ये हिप्नोथेरेपी हमारे जैसा जो माहिर रहता है उसे माइंड को मैं चेंज कर सकता, बच्चों को चेंज कर सकती, आज ऐसा चेंज करके बच्चों को अच्छी उनकी तरबियत कर सकती उनको, और ज़रे बच्चों में एहसास से कमतर ही रहता, अपने आप को कमतर समझती, पीछे पीछे बेंच में बैठते रहती, उनको हिम्मत बढ़ा सकती इस इल्म से, अगरचे हमें हमारे पास आए तो बच्चों को बिठा कर उनकी हिम्मत बढ़ा सकती, उनको कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई में इंटरेस्ट दिलचस्पी बढ़ा सकती, उनके स्टेज के ऊपर है सो फियर डर उस डर को दिल से निकाल सकती, और भी बड़े लोगों में भी ज़रे चंद ऐसे नफ्सियाती मसले रहती हैं जैसे कि ज़िंदगी में बेजारगी महसूस करते रहती हैं, बराबर नींद नहीं करते, इनका भी इलाज हिप्नोथेरेपी में हमें कर सकते हैं, और मियां बीवी में इत्तेफाक नहीं रहता, एक दूसरे से नफरत करते रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, तो उनके जहन में कुछ नेगेटिव एक दूसरे के मुतालिक नेगेटिव यानी मुनफी ख्याल आते थे उनको भी दिमाग से निकाल सकते हैं, हमें यह इल्म है एक आदमी को ले आकर बिठा कर उनके ब्रेन से वॉश कर सकते हैं एक दूसरे के मुतालिक जो कुछ है गलतफहमियाँ हैं मिसअंडरस्टैंडिंग से इन तमाम को निकाल सकते हैं आज, इस तमाम ये भी एक इलाज है, इस इलाज से हमें इंसानों को अच्छे ज़िंदगी में समाज में अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के वास्ते उनको अच्छी तरबियत दे सकते हैं। बस मैं इतना कहते हुए अब अपनी जगह लेता हूँ। देखिए आप इस आंसर यूट्यूब चैनल को खोल करके आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे जो भी नए
ऐसे मालूमती फीचर्स हैं, आपको मिलते रहेंगे। अगर आप इसे सब्सक्राइब करो, लाइक बटन दबाओ और अपने कमेंट्स इसके मुतालिक और कोई सवाल आते तो अपने दिल में उनको पेश करो, हमें उनका जवाब देंगे। और ये क्या है, हिप्नोथेरेपी क्या है, और अगले एपिसोड में हमें इसके मुतालिक और डिटेल से आपको समझाएंगे। इतना कहते हुए मैं आप तमाम का इतनी देर तक इतनी दिलचस्पी से पूरा जो मेरा छाना ये सुने वीडियो, तो इसका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपको, और वेलकम करता हूँ जब भी ज़रूरत पड़े मेरी खिदमत की। आप आकर अपने जो नफ्सियाती मसले हैं मुझ पर मुझे बताइए, मैं इंशाल्लाह आपके नफ्सियाती मसलों को हल करने की अजहद कोशिश करूँगा, आपका साथ देने की हर अजहद कोशिश करूँगा।